हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स की एक अनदर वीडियो। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको जो करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक जड़ी बूटी है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर आपको दिलवाएगा। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर डीपली रिसर्च करनी है। हम पहले इसका बेसिक समझेंगे और आफ्टर दैट मैं आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट आखिर है क्या, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाने वाला हूं। तो मेरे साथ चलिए और समझिए। देखिए, ए बी प्राइवेट एंटरप्राइज नाम की कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें आपके 2 पार्टनर हैं। ए एंड बी, ये 2 पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म को रन करने लग रहे हैं। इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। जो आपका पार्टनर ए है वो एज ए अकाउंटेंट पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है, और जो बी है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या करता है, हैंडल करता है। दोनों अपनी अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के बाद ए ने अकाउंट्स मेंटेन कर लिए और ए और बी ने प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बट आफ्टर दैट इन्हें पता चलता है कि आप कुछ ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना भूल गए। तो बी ए को क्या सलाह देता है कि हमें अपने पुराने खाते दोबारा से रीओपन करने पड़ेंगे। तो ए जो अकाउंटेंट है वो बी को एडवाइस देता है कि हम अपने नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स मेंटेन करने जा रहे हैं, अगर हम पुराने अकाउंट्स को रीओपन करेंगे तो इससे हमारी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बी बोलता है तो जब तक हम पुराने अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर देते प्रॉपर मैनर में, तब तक हम नए अकाउंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में ए बी को एडवाइस देगा कि हम अपने पास्ट के रिकॉर्ड्स को फिनिश करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जिस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू जो गेनर होगा वो अपने पार्ट को लेकर आएगा और जो सैक्रिफाइजर होगा उसको वो अमाउंट पे कर दी जाएगी, जिससे आपके पास्ट ईयर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और प्रॉपर मैनर में हमारे अकाउंट्स मेंटेन भी माने जाएंगे। तो इस तरह आपसे अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी गलती होती है तो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू खत्म कर दिया जाता है। उसे आप क्या बोलते हो, एक एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। देखिए, If any transaction remain unrecorded at the end of the accounting period, एक accounting period, एक financial year के end होने पर कोई भी transaction अगर आपकी record होनी books of account में रह जाती है, then that transaction is called past adjustment. तो उस transaction को past adjustment का नाम दिया जाता है। इसको अब मैं आपको एक analytical table के थ्रू represent करके दूंगा। देखिए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग है, और आप जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने जा रहे हो वहां पे आप प्रेफर किसको करोगे, पार्टनरशिप फर्म को प्रेफर करोगे। इट मीन्स मेरी जो एनालिटिकल टेबल होगी वो भी पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाली है, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सुनिए, आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म को जो देना आता है, इट मींस जो फर्म के ऊपर भार है, उन सभी के कौन से बैलेंस होंगे, यहां पर क्रेडिट बैलेंस होंगे ड्यू टू लायबिलिटी स्टेटस। आपने अकाउंटेंसी का रोल तो सुना है, एक्सपेंडिचर एज वेल एज लायबिलिटी। एक बार एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर आए थे
दूसरी बार वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होती जाने लग रही है, समझ रहे हो? आप क्या बोलते हो, इनकम क्रिएट हो रही है पार्टनर्स की, पार्टनर्स की इनकम है, बट उन्हें कौन पूछ रहा है, मैं तो फर्म की बात कर रहा हूं, फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो जहां जहां से फर्म को पे करना आता है उन सभी केसेज में आप क्वेश्चंस में उसे क्या कर देना, क्रेडिट। और जिन जिन केसेज में फर्म को पार्टनर से रिसीव करना आता है उन सभी केसेज में आप बैलेंस डेबिट कर देना ड्यू टू एसेट्स फैक्टर, क्योंकि दूसरा रूल क्या बोलता है, इनकम एज वेल एज एसेट्स। अगर पार्टनर से लेना आता है, पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम। दूसरी तरफ पार्टनर्स के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी, फर्म के लिए क्या बन जाएगी, एसेट्स। ये बातें क्लियर है? अब इसी को हम एनालिटिकल टेबल में समझने वाले हैं। चलिए, क्या बोला आपको शॉर्ट में, कि जहां जहां देना आएगा क्रेडिट, जहां जहां लेना आएगा डेबिट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको पे करना है, पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए क्या क्रिएट होगी, लाइबिलिटी। दूसरी तरफ क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट किसमें किया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड टाइम कहां पे करोगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो फर्म को देना आता है, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। क्लियर है? उसके बाद पार्टनर्स को क्या देना है, सैलरी। फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्रेडिट। कमीशन क्या है, लाइबिलिटी, क्रेडिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फर्म को लेना आता है और जिस केस में रिसीव करना आता है उनके कौन से बैलेंस, डेबिट। तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट वाले आइटम से डेबिट वाले आइटम को लेस कर दिया, ये कर दिया। आफ्टर दैट आपकी क्या निकल के आएगी, टोटल पेबल अमाउंट। अगर क्रेडिट वाला फैक्टर डेबिट वाले से ज्यादा मिला तो फर्म की क्या है, लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, इसलिए मैंने क्या लिखा वहां पे, टोटल पेबल अमाउंट। क्लियर है? बट ये जो प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, ये किस में डिवाइड होते हैं, पार्टनर्स में। तो लॉसेज भी कौन लेके आएंगे, पार्टनर्स। तो ये लॉसेज जो जनरेट हुए हैं वो फर्म किससे रिसीव करेगी, आपके पार्टनर से। तो फर्म के लिए कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट। तो मैंने क्या लिखा, लेस डिविजन ऑफ फर्म लॉसेज, डेबिट बैलेंस। फिर क्रेडिट और डेबिट में से जिसका डेबिट पोर्शन ज्यादा बनता है वो लेकर आएगा और जिसका क्रेडिट पोर्शन ज्यादा बनता है वो रिसीवर होगा। स्टूडेंट, अब इस एनालिटिकल टेबल को हम एक डेमो के थ्रू पढ़ने वाले हैं। देखिए, ए एंड बी दोनों पार्टनर्स थे। ए की कैपिटल कितनी है, 30 की, और बी की कैपिटल कितनी है, 20 की, 30,000 एंड 20,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट कितनी रखी गई है, 10% पर एनम, पार्टनरशिप डीड में बोला था। तो मैंने 30,000 का 10% ए को कितना दिया, 3,000, और बी को 20,000 का 10% कितना दिया, 2,000। टोटल कितना बनता है, 5,000 दिया। देने का मतलब फर्म के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, ये कर दिया। उसके बाद आगे क्या बोलता है, ड्रॉइंग के रिगार्डिंग, ए और बी दोनों ने कितनी ड्रॉइंग कर रखी है, 10,000 ईच। रेट कितना है, 10% पर एनम। मैंने आपको इसके प्रीवियस वन वीडियो में बताया हुआ है कि अगर पेपर में आपको पर एनम, एनुअली या ड्यूरिंग द ईयर मिलता है तो उन सभी केसेज में आप हाफ ईयरली बेस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। जनरली पर एनम का मतलब टाइम पीरियड होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में आप हाफ ईयरली बेस पर चलेंगे। 10,000 का 10% 1,000, 6/12 कितना आ गया, 500। अगर फर्म को लेना आए तो उसका कौन सा बैलेंस बनेगा, डेबिट बैलेंस बनेगा। तो आप इन्हें क्या कर दोगे, आप इन्हें लेस कर देंगे। आफ्टर दैट सैलरी ए और बी को कितनी कितनी देनी है, 5,000 और 5,000 फर्म को देने आते हैं, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। इसका 5, इसका 5, टोटल 10। कमीशन फर्म को ए और बी का कितना कितना पे करना आता है, 20,000 ईच, तो फर्म के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, 20,000 और 20,000, ये कर दिया। टोटल में कितना बना, 40। क्लियर है? अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, टोटल पेबल अमाउंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करने जा रहे हैं टोटलिंग। सबसे पहले ए की, 3 + 5 = 8, 20 + 8 = 28, 28,500 कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। बी, 5 + 2 = 7,
27,500। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। टोटलिंग कितनी बनी? 28 + 27 = 55, 56,000। 10 + 5 = 15, 15 + 40 = 55, 55 + 1 = 56,000। ये आपका आ गया। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। ठीक है, अब सुनो। और मैंने दूसरी तरफ क्या बताया है, जो आपके लिए लाइबिलिटी होती है, दूसरी तरफ वो ऑटोमेटिकली ही क्या बन जाती है? एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज। फर्म के लिए क्या है? ये टोटल पेबल अमाउंट लाइबिलिटी। दूसरी तरफ क्या हो गया? लॉसेज। ये जो लॉस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को, जो आपको देखने को मिलते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। जनरली जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो किसके होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के। तो जो लॉसेज होंगे वो भी कौन लेके आएंगे? पार्टनर। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बन जाएगी? एसेट्स। और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगी? ये लाइबिलिटी। तो पार्टनर्स लेके आएंगे तो उनके लिए क्या होगा? ये नेगेटिव है। आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो मैं सपोज कर लेता हूं ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो ये 56,000 के लॉस को कैसे लेके आएंगे दोनों? इक्वली 28,000 लॉस है तो क्या कर दिया? डेबिट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? वो एसेट्स। दूसरी तरफ बी का भी कितना आ गया? 28, और यहां पर 56,000। पहले लाइबिलिटी थी, अब इस केस में क्या बन गई? एसेट्स। क्रेडिट से डेबिट कट हो गया। क्या आया? नील। कौन से वाला ज्यादा है? आपका क्रेडिट वाला। जो भी बैलेंस ज्यादा हो उसको दिखा दो। 500 का क्रेडिट बैलेंस। कौन से वाला बैलेंस ज्यादा है? डेबिट वाला। तो 500 से क्या कर दिया इसको? डेबिट। क्लियर है? अब हम इसकी क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा? डेबिट। और जो क्रेडिट हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। इसमें बी क्या हो रहा है? डेबिट। तो मैंने बी को क्या कर दिया? डेबिट। बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 500। तो ए को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। टू एच कैपिटल अकाउंट कितना? 500। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है। किसमें? क्लोज्ड अकाउंट में। इसी टॉपिक के एडिशनल न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूं।